दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि इंडिया में तो लॉन्च नहीं होने वाला है लेकिन धमाकेदार स्पेसिफिकेशंस के साथ में चाइना में लॉन्च किया गया है। तगड़ा स्मार्टफोन है एंड इस फोन के बारे में आपको जानना चाहिए ऐसा मेरे को लगता है, इसलिए ये न्यूज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर आपको ऐसे फोन्स में इंटरेस्ट नहीं है जो इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाले हैं तो ये वीडियो भाई आपके लिए नहीं है। आई एम सॉरी, आप वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको तगड़े स्पेसिफिकेशन वाले फोन्स में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना। धमाकेदार फोन है भाई, धमाकेदार स्पेसिफिकेशंस के साथ में लॉन्च किया गया है। फोन का नाम है ZTE Red Magic 6S एंड 6S Pro। Red Magic 6S सीरीज चाइना में लॉन्च कर दी गई है, दो स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं 6S और 6S Pro। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Red Magic 6S Pro के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया गया है, ओवरऑल कैसा है फोन, सारी चीज डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को और सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो फुल ग्लास बिल्ड यहां पर आपको मिलता है, ग्लास फ्रंट मिलता है, ग्लास बैक मिलता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम दिया गया है, आगे पीछे दोनों तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी तो सॉलिड मिलती है भाई, बिल्ड क्वालिटी इससे बेटर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो एक गेमिंग फोन से। इसके बाद में अगर डिजाइन की बात करें तो भाई क्या ही कहने डिजाइन के, फुल टू गेमिंग वाला डिजाइन यहाँ पर आपको दिया गया है। पहले तो दो कलर्स में आपको फोन मिलता है भाई, ब्लैक कलर में मिलता है और एक ट्रांसपेरेंट बैक के साथ में आता है, मतलब आप पीछे से अस्थि पंजर सब देख सकते हैं फोन के अंदर क्या क्या माल मटेरियल लगाया गया है, ट्रांसपेरेंट बैक के साथ में आता है। उसी के साथ में बैक पैनल में यहाँ पर आपको RGB लाइटिंग मिल जाती है, उसी के साथ में कूलिंग फैंस दिए गए हैं। उसी के साथ में अगर बात करें तो यहां पर आपको शोल्डर ट्रिगर्स देखने के लिए मिलते हैं जिनका टच सैंपलिंग रेट है 450 हर्ट्ज का, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव शोल्डर ट्रिगर्स यहां पर आपको दिए गए हैं। एंड उसी के साथ में बैक में एक स्लाइडिंग ट्रिगर आपको देखने के लिए मिलता है। डिजाइन के मामले में फुल टू गेमिंग फोन है भाई, तगड़ा डिजाइन आपको मिलता है, कॉम्पोनेंट्स भी काफी नए नए यहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं एंड बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड दी गई है। आगे चल के डिस्प्ले की बात करते हैं, इस फोन के अंदर आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, काफी बड़ी साइज का डिस्प्ले है, गेमिंग करने में आपको मजा आएगा। 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है जो कि 10 बिट का ओलेड पैनल है, मतलब 1 बिलियन से ज्यादा कलर्स यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो ये काफी अच्छी बात है। उसी के साथ में 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, 385 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलती है, तो गेमिंग फोन है लेकिन आप उसमें कंटेंट वॉच भी कर सकते हो, उसमें आपको मजा आएगा। अब गेमिंग की बात करते हैं, यहां पर आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, यस 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। उसी के साथ में 720 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है, 720 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, मतलब मेरे से बोलते भी नहीं बन रहा भाई, मैं खुद फंबल मारने लग गया हूं, इतना तगड़ा टच सैम्पलिंग रेट आज तक आपको किसी भी फोन में देखने के लिए नहीं मिला है, यहां पर आपको मिलता है 720 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। उसी के साथ में 700 nits की यहां पर आपको ब्राइटनेस मिलती है, तो डिस्प्ले में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है, तगड़ा डिस्प्ले यहां पर दिया गया है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, Qualcomm Snapdragon 888 Plus चिपसेट यहां पर आपको मिलता है, 888 Plus चिपसेट जो है आज की तारीख में Android का सबसे ज्यादा पावरफुल चिपसेट है, 2.99 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, क्रायो 680 वाले कोर्स मिलते हैं, 680 जो कोर्स है ARM Cortex X1 A78 और A55 से मिलकर बने होते हैं। डे टू डे की परफॉर्मेंस तो आपको मक्खन मिलती है, साथ ही साथ गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए Adreno 660 GPU मिलता है जो कि गेमिंग भी मक्खन करा देता है, ग्राफिक रिलेटेड टास्क रेंडरिंग वगैरह अगर आपको करनी है तो वो भी काफी तगड़ी यहां पर हो जाती है। परफॉर्मेंस में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, LPDDR5 RAM भी यहां पर आपको मिलती है। उसी के साथ में UFS 3.1 वाला स्टोरेज दिया गया है, परफॉर्मेंस में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, 5 नैनोमीटर का चिपसेट है तो एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़िया रहती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो टॉप नॉच परफॉर्मेंस यहां पर आपको मिलती है। कैमरास की बात करते हैं, अब गेमिंग फोन में कैमरा पर ज्यादा फोकस किया नहीं जाता है भाई, यहां पर 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है, जहां पर प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, उसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल
फ्रंटल लेंस मिलता है, 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा दिया गया है, 3 कैमरास पीछे की तरफ मिलते हैं, 8K के वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर, 4K के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 60 FPS पर, एंड 1080 पिक्सल्स वाले वीडियो आई थिंक अप टू 240 FPS आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा, यस 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है, एंड 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। ओवरऑल कैमरा सेटअप की बात करें तो डिसेंट कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको मिलता है। बैटरी की अगर बात करें, चाइना में ये फोन लॉन्च हुआ है 4500 mAh की बैटरी के साथ में, जिसको चार्ज करने के लिए 120 वाट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। 120 वाट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, तो बैटरी का साइज भी काफी अच्छा दिया गया है, चार्जिंग भी इंसेनली फास्ट यहां पर आपको मिलती है, 17 मिनट में आपका फोन 0 से लेकर 100% तक चार्ज हो जाता है, तो क्रेजी फास्ट चार्जिंग यहाँ पर आपको मिलती है। लेकिन इस फोन का जो ग्लोबल वेरिएंट है वो थोड़ी सी बड़ी बैटरी के साथ में आता है, लेकिन थोड़ी सी कम फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। ग्लोबल वेरिएंट में आपको 5050 mAh की बैटरी मिलती है और 66 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, चाइना वेरिएंट में 120 वाट है एंड उसके साथ में 4500 mAh की बैटरी मिलती है। तो बैटरी मॉड्यूल में भी कोई शिकायत नहीं आएगी भाई, तगड़ा बैटरी मॉड्यूल मिलता है, 66 वाट की चार्जिंग भी अगर आपको मिलती है तो वो भी काफी ज्यादा फास्ट होती है, और 120 वाट तो भाई बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, बैटरी मॉड्यूल में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। इसके बाद में चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है, हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm का खड्डा यस मिलता है, उसको गायब नहीं किया गया है, तो ये काफी अच्छी बात है। 3.5 mm जैक यहाँ पर आपको मिल जाता है। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिल जाएंगे, सेंसर में कोई कमी नहीं मिलेगी, 1-2 एक्स्ट्रा सेंसर ही मिलने वाले हैं भाई, तो सेंसर में आपको यहाँ पर कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, एंड्रॉइड 11 के ऊपर आपको फोन मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में मिलता है रेड मैजिक UI 4.5, गेमिंग वाला UI है, अच्छा UI है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर ग्लोबली आप इस फोन को ऑर्डर करते भी हैं तो मस्त UI का एक्सपीरियंस रहेगा, आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। इसके बाद में स्पीकर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, साथ ही साथ कार्ड स्लॉट यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, और एक काफी बड़ा सा कूलिंग चैम्बर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है वेपर कूलिंग के साथ में, उसी के साथ में यहाँ पर आपको फैन वाली कूलिंग तो देखने के लिए ऑब्वियसली मिलती है। तो ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें भाई तो क्रेजी स्पेसिफिकेशंस हैं यहाँ पर, धमाकेदार स्पेसिफिकेशंस हैं, एंड मेरे हिसाब से आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड बेस्ट गेमिंग फोन है रेड मैजिक 6S प्रो। इतनी तगड़े स्पेसिफिकेशंस आपको किसी और फोन में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो 4 वेरिएंट्स में फोन लॉन्च किया गया है, 12GB+128GB, 12GB+256GB, 16GB+256GB और 18GB+512GB। बेस वेरिएंट का जो प्राइस है चाइना में जिस प्राइस पर लॉन्च हुआ है उसको मैंने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया है, बनते हैं तकरीबन 45,250 रुपए के आसपास, 45,000 के आसपास अगर ये फोन लॉन्च हुआ है। अगर ये फोन इंडिया में लॉन्च होता 50,000 के आसपास भी, क्रेजी फोन होता भाई, क्रेजी फोन। वैसे तो ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छे प्राइस पॉइंट पर धमाकेदार स्पेसिफिकेशंस के साथ में लॉन्च किया गया है, ये तो बात बोलनी पड़ेगी भाई। कुछ कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा क्रेजी यहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, कैसा है स्मार्टफोन, क्या है आपके विचार इस फोन के बारे में, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।